सॉरी बच्चों, ये गलती से वीडियो कट हो गई। तो हम पढ़ रहे थे कि ये स्पेशल नंबर्स। तो अब आप ये एक जैसे यहाँ पर ये किया हुआ है 132 का रिवर्स करके 231 आएगा, तो उसको ऐड करके हमें ये एक स्पेशल नंबर मिल गया। तो ये हम एक एग्जांपल आपको दी है, ऐसे ही आप ये दोनों, ये ए वाला और सी वाला भी ऐसे ही आप घर में ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आ गया, अब हम अगर वर्ड्स में देखेंगे, अब यहाँ पर क्या दिया है, नो लेमन्स, ठीक है, नो लेमन्स। तो अब यहाँ पर लेमन्स है, वो उल्टा अगर हम करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, तो हमें इस वर्ड में ही एक और वर्ड मिलेगा, मेलन। तो हम लिखेंगे नो मेलन। अब यहाँ पर अगर हम एक और पैटर्न देखेंगे, स्टेप नॉट ऑन पैट्स, ठीक है, कि पैट्स पे, पैट्स होते हैं जो हमारे, जिन जानवरों को हम पालते हैं, जैसे कि डॉग होता है, तोता होता है ना, पैरट होता है, डॉग होता है, कैट होती है, तो इनको ये हमें अच्छे लगते हैं, तो हम इनको पैट्स इसलिए कहते हैं, पैट होता है अपना फेवरेट, तो हम पैट्स इसलिए इनको कहते हैं कि ये हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इनको खेलने के लिए इनके साथ रहते हैं, इनको अपने साथ रखते हैं, इनके साथ खेलते हैं। तो ये जो पैट्स हैं, तो अब हम कहते हैं कि इनके ऊपर मत कदम रखा करो, या इनके ऊपर, इनको गलत तरीके से इनके साथ मत खेला करो। तो क्या है, स्टेप नॉट ऑन पैट्स। तो अब अगर हम इसको उल्टा करके देखें, देखो भाई, इन रिवर्स करेंगे इन अल्फाबेट्स को, इन लेटर्स को, तो स्टेप STP, स्टेप 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 नॉट, NOT, नॉट, स्टेप नॉट ऑन PETS पैट्स। यहाँ पर भी हमें उल्टा मिलता है, तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो वर्ड्स हैं, उनके लेटर्स भी हमें ऐसे मिलते हैं कि जिनको हम कई कई लेटर, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी लेटर्स को हम उल्टा करके देखें तो एक नया वर्ड हमें मिलता है, दूसरा वर्ड मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गेम दी गई है, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर एक गेम है, कैलेंडर गेम है, ये एक मंथ का हमें दिया गया है कैलेंडर, एक मंथ का, 1 से लेकर 31 डेज है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक 3 का ग्रुप लिया है, 3 × 3 होता है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने नंबर्स आप इसमें, इसमें 9 नंबर्स हैं। तो अब ये अगर हम इनको ऐड करेंगे, इन 9 नंबर्स को, तो हमें कितना मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब इसके 3 तरीके हैं इसको करने के, अगर हम इनको एक एक करके ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो हमें आंसर मिलेगा इसका 99, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, दूसरा तरीका क्या है, कि इस ग्रुप में सबसे शॉर्टेस्ट नंबर ले लो 3, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ग्रुप है, पहले हमें इस नंबर्स का ग्रुप है वो हम लेते हैं, क्या है, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, ठीक है। अब अगर हम इसको एक एक करके ऐड करेंगे, पहले इस लाइन को ऐड करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 5 + 5 + 4 होता है 9, 5 + 4 होता है 9, 9 + 3 होता है 12, इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब आ गया 10 + 11 होता है 21, 21 + 12 होता है 33, ठीक है, 33 आ गया इस लाइन का। अब इस लाइन का देखेंगे, इस लाइन का कितना आता है, इस लाइन का आएगा 17 + 18 + 19, तो ये होता है 54, 9 + 8 होता है 17, 17 + 7 हो गया 24, 1 + 1 हो गया 2 + 1 हो गया 3 + 2 हो गया, जो कैरी आ गया था 2, हो गया 554। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 2 + 3, 2 + 3 हो गया 5, 5 + 4 हो गया
9, 5 प्लस 3 हो गया 8, प्लस 1 हो गया 9, तो ये आ गया 99। ठीक है, अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या है, हम करेंगे लोवेस्ट नंबर देंगे। तो टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, वो है इक्वल टू 3। एड 8, जब प्लस 8 तो कितना आया, आ गया 11। मल्टीप्लाई बाई 9 हो गया, 11 इंटू 9 हो गया 99। आ गया सेम। तो ये एक और तरीका है कि हमें अगर 8 हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, उसको प्लस 8 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, तो हमें वही नंबर मिलेगा। अब तीसरा है जो कि सबसे आसान है। सबसे आसान क्या है, टेक द मिडल नंबर। क्या है, तो अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या है, टेक द मिडल नंबर। मिडल नंबर कौन सा है, मिडल नंबर है 11। मल्टीप्लाई इट मल्टीप्लाई बाई 9, 11 इंटू 9 इज इक्वल टू 99। आ गया सेम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो सेट ऑफ 9 नंबर्स लेते हैं, 3, 3, 3 जो सेट ऑफ 9 नंबर्स लिया, तो उसका जो एडिशन है, अगर उन सबको हम ऐड करेंगे, जो वहाँ से वो हमें नंबर मिलेगा वो बराबर है, अगर हम स्मॉल नंबर ले लेंगे और उसको पहले 8 से प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, वो उसी के बराबर निकलेगा, या अगर हम मिडिल नंबर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, वो उसी के बराबर निकलेगा। ठीक है, अब अगर हम एक और सेट ले लेंगे, एक और सेट ले लेते हैं, 1, 2, 3 ये वाला सेट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला सेट ले लेंगे, ये वाला सेट लेंगे। तो इसका अगर हम देखेंगे, तो आप इसका देखोगे, इसका भी वही आंसर, इसका भी सेम वैसे ही आंसर निकलेगा, उसी प्रोसीजर से जो हमें सारे नंबर्स ऐड करके जो आंसर निकलेगा, वही हमें स्मॉल नंबर को प्लस 8 फिर मल्टीप्लाई बाई 9 करके वही मिलेगा, और अगर हम वही करेंगे मिडिल नंबर लेकर मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, तो वही आंसर मिलेगा। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो फिर ये आप गेम किसी भी 3 नंबर के सेट के साथ ले सकते हैं, जैसे ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाला ले लिया, तो ये कोई भी सेट आप ले सकते हैं, ये वाला ले लिया तो उसके साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला ले लेती हूँ, एक और सेट ले लेती हूँ। ठीक है, तो एक सेट क्या है, दूसरा सेट हम ले लेते हैं, सेकंड सेट लेते हैं, क्या है, 1, 2, 3, 8, 9, 10 और फिर 15, 16, 17। ठीक है, आप देख लीजिए मैंने जो सेट ले लिया है बच्चों, ये वही सेट है। देखो 1, 2, 3, 8, 9, 10 15, 16, 17, तो मैंने ये वाला सेट ले लिया है। ठीक है, अब हम वही प्रोसीजर इसके साथ करेंगे जो हमने पहले वाले सेट के साथ किया था। तो ये हो गया 3 + 2 + 1 6, 3 + 2 5 + 1 6, ये है 8 + 9 + 10 हो गया 10 + 8 + 9 हो गया 17 + 10 हो गया 27,
प्लस 16 होता है 31, 31 प्लस 17 हो गया 48। ठीक है बच्चों, अब इसको हम ऐड करेंगे, इस सब को ऐड करेंगे। ठीक है, 7 और 8 होता है 15, 15 और 6 होता है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 मान लिखा, 2 आ गया कैरी, 4, 2, 6, 2, 8, 81। ठीक है, 81 मिला हमें। अब हम दूसरा स्टेप 2 करेंगे, ये स्टेप 1 था हमें, ये स्टेप 1 था। ठीक है, अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, टेक स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इस सब में, 1, तो वो हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब ऐड 8, तो इसको हमने प्लस 8 किया तो वो कितना आ गया हमें, 9। ठीक है, वो हमें मिला 9। तो अब मल्टीप्लाई बाय 9, वो हो गया 9, इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 से, वो आ गया हमें 81। तो आ गया वही जो हमें यहाँ पर मिला था। अब सिंपल स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, टेक मिडिल नंबर, टेक मिडिल नंबर, मिडिल नंबर क्या है, 9। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है मल्टीप्लाई बाय 9, वो हो गया ये 9 मल्टीप्लाई बाय ये 9, हो गया 81। निकला वही आंसर जो यहाँ पर था, यहाँ पर था, है ना। तो अब आपको समझ में आया, ये एक मैजिक गेम है, ये आप मैजिक गेम की तरह खेल सकते हो। तो कितने इंटरेस्टिंग होते हैं नंबर्स और उनके पैटर्न देख के फिर उनके साथ कुछ ऑपरेशंस करना, जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर कैसे उसके आंसर्स निकलते हैं, या हमने एक नमूना देखा। तो ये एक अच्छी गेम बन गई, ये गेम आप अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो, है ना बच्चों। अब आप कोई भी सेट ले लीजिए, मैं आपको एक और सेट दे देती हूँ, या आप घर में ट्राई कर लेना। ठीक है, ये मैं मार्क करती हूँ सेट, ये और ये, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, ये वाला आप घर में देखो। इन सबको पहले स्टेप 3 में करना है, ये स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप इन सबको ऐड करोगे, देखोगे उसका आंसर क्या है। स्टेप 2 में फिर आप स्मॉलेस्ट नंबर लोगे, उसको प्लस 8 करोगे, जैसे कि ये ऑपरेशन आपके बुक में भी दिखाया हुआ है ये तरीका। एक तो है इन सबको ऐड करना, दूसरे में ये है स्मॉलेस्ट नंबर लेकर उसको ऐड करना, फिर उस जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 9 से, वो जो टोटल आएगा वो उसके एडिशन के बराबर आएगा, या तो फिर सीधे मिडिल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये आपके बुक पे भी दिया है, तो मैं सेट यहाँ पर लिख लेती हूँ, इस पर बहुत सारी लाइन्स आ गई हैं, तो ये सेट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एट होम। तो ये आप घर पे खुद ही करोगे। क्या है सेट, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18। ठीक है, ये अब आप घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, तो आपको, आप देखो कि कितना मज़ा आता है ये करने में, कि ये सेम आंसर हमें अलग अलग तरीक़ों से अगर हम करेंगे तब हमें सेम ही आंसर मिलता है। ठीक है बच्चों, और इससे पहले का वीडियो जो है वो भी आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि गलती से कट हो गया, तो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़।